तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जो कोरोना की वैक्सीन का ये ढिंडोरा पिट रहे हैं, या क्या ये क्या खुजली मिटाने के लिए है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। मैं मंजू भरत तोमर, राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। आज जिस तरह से देश में बढ़ती हुई महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और मोदी जी नौटंकी में व्यस्त हैं, कभी वो बंगाल की आज़ादी में व्यस्त हो जाते हैं, तो कभी वास्को डी गामा के पास चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है देश में एक मजाक चल रहा है। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ये जो कोरोना की वैक्सीन का ये ढिंडोरा पिट रहे हैं, या क्या ये क्या खुजली मिटाने के लिए है? जिस तरह से देश में आज युवा बेरोजगार हैं, जिस तरह से 400 का सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस के समय में, और आज 825 का हो गया। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर गई है, और केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस तरह से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, रोजगार ख़त्म किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज झुंझुनू युवा कांग्रेस महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम कर रही है। मैम, आज जो देखा किसान आंदोलन ना, 110 दिन होगा, और झुंझुनू अभी तक है कि यूथ कांग्रेस की ओर है, अभी तक कोई प्रदर्शन वगैरह कौन करेगा अभी की वजह रही? आप इनको जानते हैं? बिल्कुल, ये जिला अध्यक्ष हैं, सुधिंदर मूंड हैं। हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस ने 12 दिसंबर को साजापुर बॉर्डर, जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे लगता है, वहाँ पे हमने किसान जो हमारे बैठे हुए हैं उनके लिए लंगर सेवा की थी। हमारे जिला अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम ने वहाँ 15 दिन बिताने का काम किया, वहाँ पे खाना खिलाने का काम किया, अपने से जो बन पड़ा वो करने का काम किया। मैं स्वयं वहाँ रही हूँ, हमारा लगातार वहाँ लंगर चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसानों के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया है वो तो केंद्र की सरकार है। क्या वो 2 मिनट श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? आपने देखा होगा 300+ हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई सांसद, कोई MP MLA या प्रधानमंत्री, ना कोई ट्वीट, ना कोई संवेदना, ये इस तरह से किस तरह की राजनीति करते हैं? जब उनकी अभिनेत्री कंगना रनौत का छज्जा गिर जाता है तो पूरी सरकार हिल जाती है। यहाँ किसानों के घर उजड़ रहे हैं, उनके बच्चे जो सरहदों पे हैं, उनके परिवार वहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। क्या वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है? वो हमारे देश राजधानी की सीमा है। क्यों नहीं उन्हें परमिशन दी जाती कि रामलीला ग्राउंड जाके वो अपनी बात रखने का काम करें? क्यों नहीं सरकार अब तक पसीजी और इतनी भयंकर सर्दी और अब जो गर्मी है, जो हालात देख रहे हैं, उसमें वो लोग बैठे हुए हैं, ये नारा किस चीज़ का दे रहे हैं? अन्नदाता के खिलाफ ये खड़े हैं, फिर हम किसके लिए हैं? जब देश का किसान सड़कों पे है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक खुशहाल देश में रह रहे हैं। तो अब जो देखा कि किसान आंदोलन में आगे की तरीकाओं है, जो यूथ कांग्रेस की ओर सहयोग करो जागो,
हम पहले भी किसानों के बच्चे हैं, किसानों के साथ थे, हम आज भी किसानों के साथ हैं, हम कल भी रहेंगे। धरना प्रोटेस्ट करना हो चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा जी श्रीनिवास जी और कृष्णा जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस, उनके नेतृत्व में आपको पता होना चाहिए हमने 2 बार संसद घेरने का काम किया है। वहाँ पर झुंझुनू व राजस्थान युवा कांग्रेस की बहुत अच्छी भागीदारी रही है और हमेशा हम किसानों के साथ खड़े होने का काम करेंगे। थैंक यू।